आप हैं श्री सुनील बलदेवा जी, फर्म सिलीगुड़ी एसोसिएट्स, बिजेसन एग्रो इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड एवं परफॉर्मेंस कमोडिटीज़। आप दालों के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का व्यवसाय करते हैं। आपकी फर्म सन 1997 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत है। आप सरल हृदयी, हसमुख, शांतचित स्वभाव एवं मिलनसार हैं। आप अनेक संस्थाओं के उच्च पदों पर आसीन प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। आपके समस्त कार्यों को देखते हुए अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों, श्री हनुमानमल गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, जैसा आपको ज्ञात ही है, 53 वर्ष पूर्व गंगा शहर बीकानेर से मैं दिल्ली आया था इसी नया बाजार में, और जैसा आपको ज्ञात ही है कि खूब यह काम किया, खूब व्यापारियों का प्यार पाया। अभी जो मेरा कार्यक्रम अभी आभार का जो चल रहा है, उसमें जितना मुझे आनंद आ रहा है इतना शायद कभी नहीं आया। वो कारण कि आज मुझे 53 वर्ष पूर्व का इतिहास मुझे याद आ रहा है, उनका संस्मरण कर रहा हूँ। आज मैं ऐसे व्यक्ति से संपर्क करवा रहा हूँ या संपर्क कर रहा हूँ मैं अपने आपको, जिनका आपसे तो है ही है। आपके पिताश्री जिनको भाई जी के नाम से संबोधित करता था कि वो राजस्थान के हैं, राजस्थान बोलकर मैं भाई जी बोला करता था, और आदरणीय भाई जी चंद्रमल जी, तो इनका बराबर मेरा भिंडा के पिताश्री से रहता था। उनके सुपुत्र है श्री सुनील जी बलदेवा जी, जो सिलीगुड़ी एसोसिएट के मालिक है और कई संस्थाओं से जुड़े हुए। वो तो हमारा भाई जी उन्हें सीधे साधे प्रिंसिपल और सुर के पक्के, जो कह दिया वो कह दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है धर्म प्रगति से व्यतीत किया। उन्हीं पदों पर मेरे सुनील भाई भी चल रहे हैं और उनसे आगे बढ़े हैं और कई पदों को सुशोभित कर रहे हैं। उनसे आज मैं आपसे संपर्क करवा रहा हूँ और उनसे मैं अपने आप को श्रेय या आशीर्वाद जो दे सकता हूँ, उनसे शुभकामनाएं ले रहा हूँ। जो डिजिटल डायरेक्टरी आ रही है, पिताजी ने शुरू करवाई पेपर डायरेक्टरी, डिजिटल डायरेक्टरी जो आशीर्वाद ला रहा है उनको आशीर्वाद देंगे सुनील जी उनके सुपुत्र चंद्रमल जी के। आज उनसे मुलाकात। बाबूजी नमस्कार। 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 बाबूजी आप तो बाबूजी नहीं, 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 बिल्कुल नहीं बाबूजी। मैं तो बल्कि आपसे सम्मान नहीं कराना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि आप पिताजी का सम्मान कराने के बहुत इच्छुक होंगे, तो वो आपकी कामना पूरी करने के लिए मैंने पिताजी का जो आपका प्रति प्रेम है वो मैंने अपने ऊपर लेना चाहा है। धन्यवाद। जो संकोच कर रहे थे मेरा, आप पिताजी याद आ रहे हैं, ऐसी किसी जगह पे बैठा करते थे। बिल्कुल, यहीं पे बैठते थे, वो उस समय गद्दी होती थी। टेबल हो आगे कैसे बढ़े, कब व्यापार में आए, पिताजी का जैसे आपको पता ही था, सबसे पहले वो सिलीगुड़ी में काम करते थे और जिनके साथ काम करते थे उन्हीं के साथ पार्टनरशिप में उन्होंने जुलाई 97 में सिलीगुड़ी एजेंसी की स्थापना करी थी। सिलीगुड़ी एजेंसी का मेन जो काम था वो यहाँ से आसाम, बंगाल, बिहार माल का लदान करना और उसका उस पर कमीशन जो है प्राप्ति करना, और वहाँ से जो माल आते थे उनको दिल्ली में बेचना, ये मेन उनका काम रहता था। मैंने जो उनका विरासत को आगे बढ़ाते हुए 92 में जब इनको हार्ट का फेल्यूर की जब प्रॉब्लम आई थी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जब आई थी, तो मैंने ज्वाइन करी थी बीकॉम करके। मैं पढ़ाई कर रहा था, सीए की पढ़ाई बीच में छोड़ के मैंने 92 में इसको ज्वाइन किया था सिलीगुड़ी एजेंसी को। 92 में मैंने जो देखा वो मेरा जो काम था वो गवर्नमेंट के टेंडर लेने का उन्होंने सौंपा था। सबसे पहले मेरे को इन्होंने, उनकी बहुत दूरदर्शिता थी, सबसे पहले मेरे को उन्होंने 3 महीने तक गोदाम भेजा। अच्छा। गोदाम भेजने के बाद उन्होंने करीबन 1 साल तक मुझे अकाउंट्स कराया। 1 साल तक अकाउंट्स कराने के बाद बोला कि अलग तरह का काम कर, उसमें कमा के दिखा। तो मुझे उन्होंने टेंडर का काम सौंपा, जो मैं गवर्नमेंट के जो चावल के टेंडर होते थे उसमें उन्होंने 50,000 रुपये से मेरी शुरुआत करवाई थी, और उस काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए जब 97 में उनको पैरालाइज हो गया, तो फिर उन्होंने पूरा जो है मेरे को बाहर जो है इसका दुकान का पूरा दे दिया था। 97 से लेके आज तक हमारी सारी जो फर्में हैं
उनका टर्नओवर जो बढ़ के करीबन 100 गुना बढ़ गया। उस समय करीबन 20 करोड़ था, 20 से 30 करोड़ था, आज करीबन 250 से 300 करोड़ का टर्नओवर है। बहुत अच्छा है। और हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, हम लोग स्टॉक एंड सेल भी करते हैं, हम लोग बाहर के सौदे भी करते हैं, बाहर के USD में ब्रोकरेज भी करते हैं। और हमने मतलब अब ब्रोकरेज फर्म, इम्पोर्ट फर्म और स्टॉक एंड सेल फर्म, तीनों फर्मों का हमने काम कर रहे हैं। तो भाई जी से बढ़कर काम किया है, ये जो सोचना चाहिए, जो भाई जी करते हैं उससे बढ़कर ही आप रहे हैं। नहीं, हम मुझे लगता है उनका मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। उनका प्रिंसिपल और जो काम करने का तरीका था वो अलग ही था। आज भी आप जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं तो उनको याद करते हैं, उनकी बातें बताते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। एक बेटे के लिए तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी कि उनके पिताजी की, जो भी आते हैं उनके पिताजी की बात करें। लेकिन ये बात जरूर था कि महत्वाकांक्षा हो सकता है कि मेरी ज्यादा हो, इसलिए काम को बढ़ाया। उनका दायरा जो था काम करने का, वो अपनी सोच और अपनी जगह पर ही रह के वो काम करना ज्यादा पसंद करते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजनीति में भी तो आपका बड़ा, या इसी कारण से आपका प्रवेश हुआ है। 2014 में जब दालों के भाव 2014-15 में ज्यादा बढ़े, तो उस समय हमारी फर्म पे भी संकट आया और सरकारी जो है वहाँ पे काफ़ी दबाव और कार्रवाइयाँ हुई। तो उसमें मैंने महसूस किया कि राजनेता और कुछ राजनेताओं को ये पता नहीं है कि व्यापारी का योगदान क्या है समाज में। बिल्कुल बोल दिया। तो वो मुझे एक जरूरत महसूस हुई कि वहाँ जाके मैं उनको बताऊँ कि एक्चुअली व्यापारी जो है देशभक्त कैसे होता है, सोशल में वो कितना दान करता है, जो कोई भी समाज नहीं करता वो व्यापारी समाज करता है। और जितना दान और सोशली टैक्स देना और जो सोशल में जितना वर्क है वो कितना व्यापार करता है। मैं 1956 की याद दिलाऊं, 1956 में जब अकाल पड़ा था तो मुझे याद है कि हमारे बुजुर्गों ने पूरे गोदाम खोल दिए थे देश को खिलाने के लिए। तो मैं उसका भी योगदान जो था 1956 से लेके आज तक का योगदान जो है वो मैं कुछ नेताओं को जो समझ सकते हैं उन नेताओं को मैं बताने की कोशिश करता हूं, जो आज एग्रीकल्चर या कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर बैठे होते हैं उनको बताने की कोशिश करता हूं, जो IAS अफसर और बड़े पदों पर अफसर बैठे हुए हैं मीडिया में जो बैठे हुए हैं, मैं उनको बात को बढ़ा के आगे तक उनको पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि जो गलतफहमियाँ थी वो गलतफहमियाँ दूर हो जाए। वैसे तो ज़्यादातर जानते हैं कि व्यापारी का क्या योगदान है, लेकिन उसका भ्रामक जो प्रचार हो रहा था उसको रोकने के लिए और पॉजिटिव प्रचार करने के लिए मैंने उसको थोड़ा बात आपको आगे बढ़ाना चाहा, जिसमें काफ़ी हमें सहयोग भी सरकार का मिला और वहाँ पे उच्च पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों ने हमारी बात को समझा। अब हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पहले सरकार ये थी कि व्यापारी किसान विरोधी, सरकार विरोधी होते हैं। अब उनका है कि व्यापारी किसान के लिए कैसे काम कर सकते हैं। ये पॉजिटिव चेंज सरकार का यह है कि आप लोग व्यापारियों के लिए कैसे काम कर सकते हो। व्यापारियों का दुख दूर करने के लिए सरकार हमें बुलाती है और हमें ये पूछती है कि किसानों को भाव कैसे मिल सकते हैं, किसानों को दुख कैसे दूर हो सकता है, किसानों को कैसे फायदा हो सकता है। ये आज सरकार हमें पूछ के, हमें बुला के पूछ रही है। ये शायद हमें लगता है कि हमारे सबसे बड़ी सफलता रही है। ये तो बहुत बड़ा काम किया सुनील बाबू आपने। ये जो सरकार, तो यार सरकार बिल्कुल सही बात है आपकी। मुझे संस्मरण है 53 साल लगाए कैसे कैसे रहे उजड़ों में, कैसे व्यापार सरकार तक पहुंच नहीं पा रहे थे। गलती सरकार की नहीं है, आपने उनको जगाया, सिर्फ उनको सूचित किया कि काम कैसा करना चाहिए। किसान भी आपके हैं, सरकार भी हमारी है, उन दोनों को आपने जागरूक किया, उनको सचेत किया और काम आपका शुरू हो गया। अब आपको पूरी तसल्ली होगी कि व्यापार क्या है क्या नहीं है। सरकार से तसल्ली होगी। बिल्कुल, मुझे पिछली सरकार से काफी हमारी एसोसिएशन को काफी सहयोग मिला और उन्होंने हमारी बातों को समझा, जिसका बेनिफिट देख भी रहे हैं कि किसानों को भी व्यापार भाव मिल रहा है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हमारा इंपोर्ट का सबसे बड़ा काम है, और लेकिन जब हम यहाँ पे दालों के भाव कम हो गए थे और यहाँ पे किसानों ने बहुत ज़्यादा पैदावार कर दी थी, किसानों को MSP से करीबन आधे दाम मिल रहे थे, तो हमारी एसोसिएशन ने जाके नितिन गडकरी साहब के पास गए और हम लोगों ने उनसे अपील करी, यदि आप दालों का इंपोर्ट नहीं रुकाओगे तो एक पाम ऑयल बन जाएगी दालें, जैसे आज पाम ऑयल आ रहा है, बाकी दालें का यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गया, बाकी तेलों का तिलन का पैदावार कम हो गई, ऐसे ही हमारे यहाँ दालों का पैदावार कम हो जाएगी और ये बाहर की दालें जो है यहाँ आके डंपिंग होने लगेगी। उन्होंने बड़े आश्चर्य से बोला कि आप इंपोर्टर होकर दाल रुकवाने आए हो, ये पहली बार सुना है। तो ये मतलब वहां के बड़े बड़े नेताओं को जब ये पता चला कि ये इंपोर्टर होके भी ये किसानों को भाव मिले उसके लिए आ रहे हैं, तो मैंने एक सिंपल सा जवाब सबको देता था। मैंने कहा हम हो सकता है 1-2 साल कमा लें,
लेकिन दूरदर्शिता इसलिए कि हमारे किसान यदि जिंदा रहेंगे तो हम सैकड़ों साल तक हमारे बच्चे भी हमारे आने वाली जनरेशन भी इसमें कमा सकेगी और हमारे जो गरीब हैं उनको सही रेट पे जो है भोजन मिल सकेगा। 80% किस मेरा यह मानना है कि 80% 70% जिस देश में किसान की जनसंख्या हो उसका यदि विकास का करना हो तो 70% जनसंख्या का विकास कर दीजिए, बाकी अपने आप ही विकास हो जाएगा। यदि किसान के पास पैसा आता है तो वो कपड़ा खरीदेगा, क्यों मूलभूत सुविधाएं खरीदेगा, वो कपड़ा खरीदेगा, खाने की चीजें खरीदेगा और रहने का साधन खरीदेगा। सबसे पहले अपना कच्चा मकान उसको पक्का बनाना चाहेगा। यदि वो ये सब काम करेगा 70% खर्चा करेगा तो अपने आप इंडस्ट्रियां चलेगी, इंडस्ट्रियां चलेगी देश का विकास होएगा। तो गुड बात जो है 70% का विकास कर दो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। सुधीर बाबू आपने तो बहुत मतलब अंदर की बातें, जो व्यापार को लाभ होना चाहिए और व्यापार के हित के लिए आपको ये मार्ग लेना पड़ा, जहां तक मैंने समझा है इसको आपको कैसे व्यापार बढ़ सकता है, इसे व्यापार बढ़ा भी है, सुलझाई है। मैं व्यापारी भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ कि व्यापारी भाइयों के मेरा ये 53 साल का अनुभव बेकार नहीं जा रहा है, जो आज मैं साक्षात कर रहा हूँ ये आपको भी करवाएगा, ये अनुभव आप तक पहुंचेगा, आप ही चिंतन करेंगे कि सुनील बाबू ने जैसे चिंतन करके रास्ता निकाला ऐसा आप भी निकालेंगे, ये मुझे तय है, मुझे विश्वास है कि व्यापारी भाइयों को मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक व्यापारी भाइयों को मैंने देखा है समझा है। आज का जो व्यापारी समाज देश के लिए कर सकता है कोई अन्य नहीं कर सकता, इसके लिए सरकार तक सुनील बाबू ने जैसे समझा ऐसे समझाने की आवश्यकता है। मैं बहुत बहुत आपका आपको आशीर्वाद बना रहेगा, ये मैं कामना जरूर आपसे करूंगा। धन्यवाद।